Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So I am here with spoken English course for beginners. हम अपने लेक्चर्स में स्मॉल फ्रेजेस और सेंटेंसेस का यूज सीख रहे हैं, कैसे कैसे हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में उनको ऐड कर सकते हैं. आज हम बात करेंगे वेदर रिपोर्ट्स के बारे में. अगर हमने वेदर की कोई रिपोर्ट ली है, कोई फोरकास्ट पढ़ी है, तो उसको हमने अगर फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं. यहाँ टू फ्रेंड्स हैं, वेदर जो है वो बहुत ज्यादा कूल नजर आ रहा है, तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है, so let's start our today lecture. Here are two characters, Jennifer and Gabriella. Jennifer कहती है it's freezing outside, mean बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है. तो आप उस एक्सप्रेशन को कैसे कह सकते हैं, जैसे अभी विंटर आने वाला है तो आप ऑफिस जाएं, कोलीग से बात करें, या आप बाइक पर ट्रेवलिंग करके जा रहे हो और बाहर जरा बहुत ज्यादा सर्दी हो और आप कह सकते हैं इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है. व्हाट हैपेंड टू द वेदर रिपोर्ट, और वो पूछती है वेदर रिपोर्ट के साथ क्या हुआ है. आई थॉट दिस कोल्ड फ्रंट वाज सपोज्ड टू पास, आई थॉट दिस कोल्ड फ्रंट was supposed to out, मुझे लग रहा था कि ये जो सर्दी की एक लहर है ये खत्म हो जाएगी. Gabriella कहती yeah, I thought so too. Mean, वो कह रही मैंने ऐसा सोचा, तो उसका रिप्लाई करी मेरा भी यही ख्याल था. जैसे हम कहते हैं ना किसी के साथ एग्री करने के, जी जी मेरा भी यही ख्याल था, ये मुझे ही ऐसे लग रहा था. तो आप क्या कह सकते हैं, yeah, I thought so too. That's what I read online this morning. जी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सुबह मॉर्निंग में पढ़ा था. ठीक है, आप ये न्यूज़पेपर के बारे में भी हो सकता है, नेट पे कुछ पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में आप इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं. जेनिफर, आई गेस द विंड चिल इज रियली ड्राइविंग डाउन द टेम्परेचर. वो कह रही मेरा अंदाजा है कि विंड चिल, जो ठंडी हवा चल रही है, इज रियली ड्राइविंग डाउन, ये खत्म कर देगी या कम कर देगी द टेम्परेचर, दर्जा हरारत को. मीन सिम्टम्स होता है, बहुत तेज हवा चलती है तो फिर उसके बाद जो एक सर्दी की लहर होती है वो कम हो जाती है. तो जेनिफर अपने उसी एक अंदाजे को शेयर कर रही है. आई गेस द विंड चिल इज रियली ड्राइविंग डाउन द टेम्परेचर. तो मुझे लगता है कि जो विंड चिल होता है, बहुत ठंडी हवा चलना, ड्राइविंग डाउन होता है, उसको कम कर देना. ठीक है जी. Gabriella, कैन वी गो इनसाइड. Gabriella कहती है क्या हम अंदर जा सकते हैं. कि आप कहीं से भी कह सकते हैं, अगर आप जैसे पार्किंग एरिया में खड़े हैं तो आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कैन वी गो इनसाइड. घर के बाहर खड़े हैं तो तब भी आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कैन वी गो इनसाइड. सो आगे व्हाटसोएवर कोई भी ऑप्शन हो सकती है, तो ये आप फ्रेज़ मेमोराइज कर सकते हैं. आई फील लाइक माई टूज आर स्टार्टिंग टू नम. मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पाँव जो है वो सुन्न हो रहे हैं, जैसे हमारे होते हैं सर्दी में, सर्दी की वजह से वो सुन होने शुरू हो जाते हैं. सो वही वाली कंडीशन वो एक्सप्रेस कर रही है. आई फील लाइक माई टोज आर स्टार्टिंग टू नम. तो आप इस तरह वेदर के बारे में बात कर सकते हैं. इसी तरह आप हॉट वेदर के बारे में भी कर सकते हैं. ठीक है, उसको भी आप इसी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये छोटे छोटे फ्रेजेस आपने याद करने हैं और आपने मुझे शेयर करना है कमेंट बॉक्स में. यही आपका होमवर्क है. मुझे दीजिए आज के लेक्चर से इजाजत. होपफुली ये छोटे छोटे फ्रेजेस सेंटेंसेस आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहे होंगे. मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर एक्सप्रेस कीजिएगा, जरूर आगाह कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. अल्लाह हाफिज़.